हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मैंने हाल फिलहाल में देखा है वो भी कुरुक्षेत्र का ट्रेलर। करीबन 2 मिनट के आसपास के इस ट्रेलर में बहुत कुछ देखने को मिला, जानने को मिला। ट्रेलर काफी स्लो स्टार्ट होता है और म्यूजिक काफी देर तक दिखाया जाता है। उसके बाद हमें इंट्रोड्यूस होते हैं दर्शन, जो सैंडलवुड के बहुत बड़े स्टार है। और ये ट्रेलर का अभी से नहीं, मैं 1 साल पहले से ही इंतजार कर रहा हूँ। याद है मुझे केजीएफ के बारे में जब मैं बात कर रहा, तो कई लोगों ने मुझे जरूर कहा कि कुरुक्षेत्र का ट्रेलर आने वाला है। कुरुक्षेत्र एक बहुत बड़ी फिल्म है, काफी वक्त से बन रही है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से एंट्री होती है, एक के बाद एक कई कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उसके बाद मैंने सुनू सूद की भी झलक देखी इस ट्रेलर में, जो कृष्ण के पीछे है, यानी कि अर्जुन का जो रोल है शायद वो उनको निभा रहे। और इसके अलावा हमने बहुत सारे एक्टर्स देखे इस ट्रेलर में, और कुछ और एक्टर्स के बारे जो इस फिल्म में होंगे, अंबरीश अन्ना भी होंगे जिनका देहांत हो गया था लास्ट ईयर, और सोनू सूद तो जिसे हमने कहा। उसके बाद हरिप्रिया और कई सारे एक्टर्स है स्नेहा। अब बात की जाए ओवरऑल कैसा लगा ट्रेलर, कुछ सीन्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे वो मैं बताऊंगा। एक तो एक सर्कल जैसा सीन था, सब लड़ रहे थे, बहुत सर्कल में एक सीन दिखाए थे, सब लड़े थे, एक ऊपर से लॉन्ग शॉट लिया गया था, वो मुझे अच्छा सीन लगा। और उसके अलावा जो भी सीन्स थे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के, वो ठीक ठाक थे, लेकिन मुझे लगा एडिटिंग में थोड़ी कमी नजर आई ट्रेलर में। म्यूजिक भी ठीक ही लगा, बहुत ज्यादा ओके नहीं लगा, और भी ज्यादा बेहतर हो सकता था। और उम्मीद करते कि फिल्म जब रिलीज हो 9 अगस्त 2019 की बात कही जा रही है, एकदम सही हो। और जहां तक चीजें समझ में आई अभी तक, ट्रेलर उतना अच्छा लगा नहीं है मुझे ठीक लगा, ओके लगा, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा जो उम्मीद कर रहे, क्योंकि हम जब से देख रहे हैं जैसे कि बाहुबली आ गई है, कई सारी और फिल्में आ गई है, उसके बाद से हमारा जो क्या कहते हैं एक जो इमेजिनेशन लेवल है फिल्मों को लेकर, खास करके मैथोलॉजिकल हिस्टोरिकल, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो उससे थोड़ा सा डाउन लगा। और जहां तक बात की जाए मेरी पर्सनल रेटिंग के बारे में, तो मैं इसे 50% के आसपास की रेटिंग दूंगा, जो एवरेज रेटिंग है मैंने रेटिंग सिस्टम के हिसाब से। और वही उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा बढ़िया तरह से और भी जो इसका सेकेंड ट्रेलर है वो आए। और जहां तक कुछ और चीजों की बात करें, जैसे कि इस फिल्म को जो रिव्यूज मिले हैं बाकी लोगों की तरफ से, वो बहुत अच्छे नहीं मिले हैं। स्पेशली जो खुद फैंस है दर्शन के, उनका ये कहना है कि ये ट्रेलर को वापस से डिलीट किया जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस ट्रेलर को वापस से एडिट करके अच्छे से डाला जाए। कई सारे रिव्यूज आ रहे हैं, कई सारे चीजें आ रही हो। वहीं रिव्यूज में ये भी कहा गया है कि मेकर्स ने इस फिल्म का जो ट्रेलर है, इसके जो कमेंट्स उसको डिसेबल कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ गए। लाइक डिसलाइक अच्छा है, ऐसा कुछ रेशियो का इश्यूज नहीं है, लेकिन हाँ, एक बड़े ट्रेलर की जिस तरह शायद उम्मीद करते थे, उस तरह से फैंस को नहीं मिल पाया है। और उम्मीद करते हैं कि जो ट्रेलर सेकेंड है वो ज्यादा अच्छा रहे। सो फॉर मी द ट्रेलर लुक्स एवरेज, विच नीड्स टू बी मच मोर बिगर, बिकॉज मल्टी स्टार गर्ल्स वाली फिल्म है। जैसे भी कोई भी अपडेट्स होंगे मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल आपको कैसे लगा ट्रेलर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा।